अगली खबर में बात करते हैं भोपाल की, जहां अशोका गार्डन इलाके में प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले युवक की बाप बेटे ने हत्या कर दी। आरोपियों ने मां के सामने ही बेटे पर तलवार से हमला कर उसकी जान ले ली, साथ ही उसकी मां और बहन को भी पीटा। दरअसल युवक रिश्तेदार आरोपी की बेटी को भगा ले गया है। इसी बात से नाराज लड़की का बाप हर कभी लड़के के पूरे समाज को जाति सूचक गालियां देने लगता था। इसी बात का विरोध करना आरोपियों को नागवारा गुजरा। पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गोविंदपुरा औद्योगिक एरिया के रूपनगर में रहने वाला दीपक उर्फ गोलू ओड पिता कलतार सिंह सनफील्ड कंपनी में जॉब करता था। 2 महीने पहले उसका दूर का रिश्तेदार लखन पड़ोस में रहने वाले हेमराज सावनेर की बेटी को भगा कर ले गया। इसी बात को लेकर हेमराज दीपक के समाज का नाम लेकर हर रोज मोहल्ले में गाली देता था। मृतक दीपक पिता कलतार सिंह का गोद लिया बेटा था। कलतार सिंह ने अपने भाई धीर सिंह से दीपक को गोद लिया था। शनिवार रात 8 बजे दीपक घर के पास खड़ा था, तभी आरोपी हेमराज ने उसे जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दिया। दीपक ने हेमराज को कहा कि पूरे समाज को क्यों गाली देते हो, जिसकी गलती है उसे बोलो। इससे तिल मिलाए हेमराज और उसके बेटे करण ने दीपक, उसकी माँ तुलसीबाई, बहन पूजा से मारपीट कर दी। इसी बीच हेमराज ने बेटे से तलवार मंगाई और दीपक की छाती पर मार दी। तलवार लगते ही दीपक लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ा। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच कर रहे एएसआई जयवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में इस्तेमाल तलवार भी बरामद कर ली गई है। दीपक परिवार का इकलौता बेटा था, उसकी एक बहन है। दीपक के पिता मजदूरी करते हैं।